से। शिल्पा जी क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी यहाँ पे मुझे इंडियन होटल अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा खासा लॉन्ग ओआई बिल्टअप है अराउंड 7%, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 600 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 14 रुपये 14.5 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 10 का रखिए, जो पहला टारगेट रहेगा वो 19 रुपये का रहेगा, देन फिर 22 से लेकर 25 तक के भी टारगेट आप देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडियन होटल में एक मौका, 600 का कॉल लीजिए, 19, 22, 25 तक के टारगेट्स, 14 रुपए 10 पैसे पर ये ट्रेड लेना है। मानस, एफनो सुपरस्टार। देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए टेक महिंद्रा पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, अभी कुछ देर पहले ही इसने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा स्टॉक, करीब 30-40 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी, 1269 के आपको स्टॉप लॉस लगाने और 1315 के टारगेट सेट करने हैं टेक महिंद्रा के फ्यूचर में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1300 वाला कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और करीब करीब 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, टेक महिंद्रा मानस का ट्रेड। प्रशांत चाट के चमत्कार, क्या पिक करेंगे आप? विजय जी यहाँ पे मुझे नालको काफी अच्छा लग रहा है, करीबन 163-164 ये जोन के बीच ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 165 के करीब पहुंचने को है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 155। कल इसने 20 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया और वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, तो जो टारगेट मैं देख रहा हूँ 155 के स्टॉप लॉस के साथ वो होगा 180 का। ओके, तो नालको में एक अपॉर्चुनिटी 180 तक जाने की पूरी है। धर्मेश, आपका मिड कैप फंडा। ये कैनफिन होम्स पर बाई करने की सलाह रहेगी, मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी काफ़ी दिनों से थोड़ा सा एक बैकसीट ले रखा है और कैनफिन होम्स देखें तो नंबर्स इसके काफ़ी अच्छे थे, थोड़ा कंसर्न जो था एसेट क्वालिटी को लेकर के, बट मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में वो कंसर्न रहेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट 80% जो इनकी हाउसिंग लोन होम लोन देते हैं ये वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट से मिड सेगमेंट पर रहता है और प्रोफेशनल्स एंड सैलरीड एम्प्लॉयड करता है, 70% उसका सैलरीड एम्प्लॉयड रहता है, तो इनकी आएंगी नहीं घटेंगी ही आने वाले दिनों में। और स्टॉक प्राइस का देखें तो काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में अटका हुआ है, अराउंड 750-760 से लेके 780-790 के बीच में अटका हुआ है, तो मुझे लगता है राइट टाइम टू एक्लोमेट द स्टॉक। थोड़ी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो 860 से 900 के आसपास का प्राइस टारगेट निकल के आता है, वैल्यूएशन के हिसाब से 1.5 times प्राइस टू बुक वैल्यू FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से। ओके, तो कैनफिन होम्स आपका ट्रेड था। एक काम करते हैं, यहाँ पे चार ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, हमने शुरुआत की थी आज की